गाइस यहाँ लिखा है चंडी माँ मंदिर दर्शन घाट गेट, तो इस गेट से अभी हम जाने वाले हैं। आप सामने देख सकते हो इस तरीके की मार्केट वगैरह है यहाँ पर, और इधर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी, तो इससे जाएंगे हम क्योंकि इस समय जो वैन है वो बंद है, तो ये रास्ता भी हम अपनाने वाले हैं। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं पहाड़ों के खेतों में। अभी तक मैंने आपको ऊपर से दिखाया कैसे खेत होते हैं, अब आप इन रियल भी देख लो पास से। तो अभी भीड़ की मात्रा ज़्यादा क्योंकि जो वैन है वो आ नहीं रही है मंदिर तक इस वजह से। गाइस अगर आप शिवखोड़ी सीजन में जाते हैं तब आपको इस चीज़ का जरूर सामना करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो वैन है वो बंद कर दी जाती है। वैन बंद करने का जो रीज़न बताया जाता है वो यही है कि भाई जो रास्ता है उस पर लोग चलते हैं, जिसके चलते लोग को परेशानी ना हो इसलिए व्हीकल्स को बंद कर दिया जाता है। अभी आप ये जो देख रहे हैं ये खेतों में से होकर जा रहा है रास्ता, ये कोई ऑफिशियल रास्ता नहीं है, लेकिन इससे क्या है कि बहुत छोटा पड़ता है, यानी कि एक शॉर्टकट है ये जो पार्किंग है वहाँ तक। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये थोड़ी ऊंचाई और ये थोड़ी नीचाई, तो इस तरीके से यहाँ पर सीढ़ियाँ टाइप बनी होती है खेतों की। फिर इधर भी देखिए नीचे, दोस्तों इधर एक सीढ़ी और फिर ऐसे ही एक सीढ़ी और फिर ये देखो एक और सीढ़ी उतर गए हम। तो इस तरीके से पहाड़ों पर खेती होती है, सीढ़ीदार खेती होती है यहाँ पर, सीढ़ी नुमा खेती बोलते हैं हम इसको। तो गाइस ये जो रास्ता है ये है तो बड़ा ही कठिन, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत ये है कि सामने से भी जो लोग हैं वो आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कितनी पतली सी जगह है जिसपे हमें चलना है, जिस वजह से परेशानी यहाँ पर हो रही है क्योंकि इतना चौड़ा रास्ता ये है नहीं और बिल्कुल भी मतलब पैदल चलने के हिसाब से थोड़ा सा कठिन है अगर नॉर्मली आप देखें तो। लेकिन शॉर्टकट होने की वजह से आप इसको ही प्रीफर करना अगर आप कभी भी इस तरीके से फंस जाते हैं तो। लेकिन अच्छी बात ये कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और जो व्यू है वो इतना ज़्यादा बढ़िया है, इतना ज़्यादा एन्जॉयबल है कि आपको ये जो रास्ता है वो इतना ज्यादा परेशान नहीं करेगा। तो ये रास्ता यहाँ निकलता है बस स्टैंड पर। तो बस स्टैंड पर आ गए। हाँ थोड़ा आगे चलना पड़ेगा, मतलब ये अभी रुक जाओ। तो पहचान के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शॉप है, ऐसी एक शॉप इधर है, इधर टेलर की शॉप है और फिर इधर बीच से रास्ता गया है पहाड़ों वाला, जिससे आप काफ़ी ये जो ऊंचा वाला रास्ता देख रहे हैं ना ये जो जा रहा है ये इससे जाती है वैन अगर जाती है तो वो बचा सकते हो। अब फिलहाल हम चलते हैं अपनी कार की तरफ, ट्रैवलर की तरफ। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं बस स्टैंड पर, ये बस स्टैंड है, यहाँ पर बसें और टैक्सी दोनों ही खड़ी होती हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये रास्ता आपको कैसा लगा, काफ़ी एडवेंचरस था और लगा ही नहीं मतलब इतनी ज़्यादा चढ़ाई कर ली कि पता ही नहीं चल रहा कि चढ़ाई कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, नॉर्मल सा लगने लगा है सब कुछ। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।